नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझेंगे? कह रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, व्हाट प्रॉब्लम है? थ्रू मतलब पास करती है, थ्रू मत थ्रू नहीं, थ्रू थ्रू मतलब पास करती है। कह रहा लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, एक लाइन जो है वो दो पॉइंट के थ्रू पास करती है। दो पॉइंट बना दो कैसे थी, एक पॉइंट क्या है माइनस टू एंड सिक्स, एक पॉइंट क्या है फोर एंड एट, नाम भी रख दो इस पॉइंट का P, इसका नाम रख दो Q, कोई दिक्कत भाई? कहता है अलाइन थ्रू द पॉइंट P एंड Q, एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है। ओहो, ध्यान देना, कह रहा अलाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एक लाइन जो दो पॉइंट से पास करती है ना वो क्या है, इज परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टू द लाइन, किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो लाइन कितने पॉइंट के थ्रू है, इन दो पॉइंट के थ्रू। नहीं आया समझ में? कहता है अलाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, ठीक है, अलाइन थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू, एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, इज परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर, थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, जो लाइन दो पॉइंट से पास करती है। अरे हाँ या ना, तो ये लाइन जो दो पॉइंट से पास करती है इज परपेंडिकुलर, तो बना देते हैं इसको परपेंडिकुलर, ऐसे बना देते हैं एक लाइन, ऐसे ही होगी तभी तो परपेंडिकुलर होगी रे, 90 डिग्री, यस और नो? तो एक लाइन जो दो पॉइंट से पास करती है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर, और वो लाइन कैसी है, थ्रू द टू पॉइंट, वो दो पॉइंट से पास करती है, इसका भी नाम रख दो, कौन कौन से पॉइंट से, 8, 12 और क्या है x24, कोई दिक्कत भाई? नहीं आई बात समझ में, आ गई पक्की बात है, ठीक है। फिर वो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x। अच्छा बच्चों, मैंने बताया था अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइनें क्या होती हैं, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से हमेशा क्या आता है, माइनस वन। तो यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम निकाल देंगे, ध्यान देना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन फिगर समझ में आ गई, अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, एक लाइन जो दो पॉइंट से पास करती है इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर जो थ्रू है दो पॉइंट के, क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बन गई, अब करते हैं लेट। लेट हमने कुछ किया है क्या, पी नाम दिए, उसका नाम आप चाहो तो लिख लो, तो लेट नाम लिख कर लिया हमने पी एंड क्यू, इसका नाम रख देते हैं L1 लाइन, इसका नाम रख देते हैं क्या, ठीक है, L1 लाइन लेट कर लेते हैं इसको, लेट L1 थ्रू द पॉइंट, L1 लाइन नाम दिया, यस और नो? ध्यान देना, सीधा लेट नहीं करेंगे, थ्रू द पॉइंट तो दे रखा है उसने, तो ऐसे लिख लेते हैं L1 पासेस थ्रू किस किस से, पी एंड क्यू से, P क्या है -26 एंड क्यू क्या है 48, ठीक है, एंड L2 लाइन पासेस थ्रू किस से, ये गिवन है, इसमें कुछ लेट नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ जरूरत ही नहीं है, एंड पी क्यू ये जो नाम देते हैं इसको जरूरत नहीं है लेट करने की, क्योंकि पॉइंट दे रखा है, तो हमने खाली नाम रखा है। L2 पासेस थ्रू किससे करती है, इसका नाम लो क्या, आर एस, अच्छा लगेगा थोड़ा बस, इसलिए किससे पास करती है, आर से, आर क्या है हमारे पास 8, 12 और क्या है बोलो, एस क्या है x24, कोई दिक्कत भाई किसी को? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट हमने किया नहीं है, गिवन दे रखा है, L1 जो है दो पॉइंट से पास करती है, L2 जो है दो पॉइंट से पास करती है, और भी कुछ गिवन है, क्या गिवन है, L1 और L2 क्या है परपेंडिकुलर, यस और नो? अरे हाँ या ना, दे रखा ना ये L1 L2 परपेंडिकुलर गिवन, एंड टू फाइंड क्या करना है बोलो, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है, ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आए, फिगर समझ में आ गई, एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है और वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट से पास करती है, क्लियर है भाई? ठीक है, तो लेट किया नहीं मैंने, सीधा गिवन लिखा है, L1 जो है दो पॉइंट से पास करती है पी एंड क्यू से, L2 किससे पास करती है R एंड S से, और क्या गिवन है, L1 L2 क्या है परपेंडिकुलर है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, गिवन को सिंप्लीफाई करोगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ध्यान देना, क्या गिवन है, L1 एंड L2 क्या है परपेंडिकुलर, यस और नो? यस सर। और अगर हमें पता है
कि L1 L2 परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? माइनस वन, हाँ या ना? तो इसका स्लोप लेट कर लेते हैं M1, इसका स्लोप लेट कर लेते हैं क्या M2, ये लेट का काम आ गया, लेट क्या M1 एंड M2 स्लोप ऑफ किसका L1 एंड L2, ऐसे लिखोगे ना थोड़ा अच्छा लगता है पेपर में, है ना, तभी नंबर देता है पूरे वो। और लिखना कोई मुश्किल थोड़ी ना यार, फिगर बनाई जो जरूरत है वो जो हमने लेट कर लिया उसको लिख दो, समझ गया भाई? तो रीड क्वेश्चन क्या है, पूरे नंबर लेने ना? तो रीड क्वेश्चन क्या बोली, फिगर लेट ये हो गया, गिवन ये है, गिवन ये एंड टू फाइंड ये, ठीक है भाई। अब गिवन को एक्सप्लेन करो, L1 L2 क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमको मालूम है लिफा रखा, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, इसका मतलब क्या है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? ये हो गया L1 L2 परपेंडिकुलर, इसको इसका फॉर्मूला याद कर रखा हमने, दो लाइनें परपेंडिकुलर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? माइनस वन। अब आपका काम है बस M1 निकालो और M2 निकाल के यहाँ पे ठोक दो, x आ जाएगा। तो क्या हम M1 M2 निकाल सकते हैं? साइड में निकाल लो M1, M1, M1 किसका स्लोप होगा? लाइन वन का, दो पॉइंट से पास करती है तो y2 माइनस y1, बोल दो क्या होगा सीधा, 8 माइनस 6 और x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 2, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ गया, 8 माइनस 6 2, नीचे कितना हो गया प्लस का 6, काटोगे तो कितना हो गया 1 बाय 3, ये आ गया m1। अब क्या निकालना आपको, m2, m2 कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, 24 माइनस कितना 12 अपॉन में क्या x2 माइनस x1, x2 तो x ही है, x माइनस 8, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो क्या आ गया 12 अपॉन में क्या x माइनस 8, m1 निकला m2 निकला, क्या करोगे बोलो, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा माइनस वन, तो एम वन इंटू एम टू बराबर क्या होगा माइनस वन, एम वन निकालना पड़ेगा, अब लाइन का स्लोप निकालना आता है निकाल लिया, एम टू निकालना पड़ेगा स्लोप निकालना आता है निकाल लिया, ठोक दो वैल्यू, एम वन कितना है 1/3, एन टू में एम टू कितना है 12 अपॉन में क्या एक्स माइनस 8 बराबर क्या माइनस 1, इसको काट दो 3 चौक 12, ये क्या आ गया 4 अपॉन में क्या एक्स माइनस 8 बराबर क्या माइनस 1, सिंप्लीफाई करते हैं 4, इसको इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का x, इसको इधर लेके आओगे तो 8 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया बोलो 4, समझ में आई बात?